खबर दिल्ली से है, जहां जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला है नए सेना प्रमुख का कार्यभार। 30वें सेना प्रमुख का पदभार उन्होंने संभाला है। जनरल मनोज पांडे रिटायर हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जनरल मनोज पांडे के रिटायर होने पर, उनके रिटायर होने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। तस्वीरें भी आप उस दौरान की देख सकते हैं। और ये भी बता दें आपको कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख बने हैं। 30वें सेना प्रमुख का पदभार उन्होंने संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। अब वो 30वें नए सेना प्रमुख जो है वो बने हैं जनरल मनोज पांडे के रिटायर होने के बाद। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना प्रमुख बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। रीवा देखिए, उनके बारे में अगर जाने तो नेशनल डिफेंस अकादमी के छात्र रहे हैं। 15 दिसंबर 1984 में सेना ज्वाइन की थी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 40 साल के करियर में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। भारत चीन सीमा का लंबा अनुभव है उनके पास, अच्छा खासा अनुभव रखते हैं भारत चीन सीमा का। चीन के साथ सीमा मुद्दा सुलझाने वाली वार्ता में भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। इसके साथ ही 18 जम्मू कश्मीर राइफल में भी कमीशन मिला। नए आर्मी चीफ को सम्मान परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। अति विशिष्ट सेवा पदक से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रशस्ति कार्ड से अलंकृत भी उन्हें किया गया। नए आर्मी चीफ मिले हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है।